स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेवन क्लास का, ठीक है, सेवन क्लास की साइंस का आज हम करने जा रहे हैं। डे थ्री है, तो डे थ्री में मुझे सबसे पहले आपने डेट और डे को लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को आपने गौर से रीड आउट करना है पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डे थ्री का क्या है, नेम टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के टू टाइप्स के आपने नेम लिखने हैं, तो हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की तरफ चलेंगे। इसमें आपको नज़र आ रहा है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो पहला है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट और दूसरा है नेचुरल इन्वायरमेंट। तो आपने यहाँ पर इसको लिख देना है कि इन्वायरमेंट के दो टाइप्स क्या हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, अंडरस्टैंड। उसके बाद है आपके पास डिफाइन द टर्म हैबिटेट, इन्वायरमेंट, कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन। आपने इनको डिफाइन करना है। तो डिफाइन में क्या होगा, हैबिटेट, तो आपने कम्युनिटी पैसेज की तरफ आना है। यहाँ पर देखें, द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिव, ऐसी जगह जहाँ पर प्लांट और एनिमल रहती हैं उसे हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट था। All the things which affect the way of plant of plant way of life of plant and animal, ठीक है, तमाम चीज़ें जो हमारे animals और plants की ज़िंदगी को असरअंदाज करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। ऐसी तमाम चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी को असरअंदाज करती हैं वो क्या कहलाएंगी, इन्वायरमेंट कहलाएंगी। उसके बाद है कम्युनिटी, अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग हैबिटेट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, जानदारों का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप, ठीक है, जो हैबिटेट को आपस में शेयर करता है उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी क्या होता है, मतलब कम्युनिटी का आपस में रिलेशनशिप, उनका शेयरिंग करना, मिलाप, ठीक है, तो वो क्या कम्युनिटी कहलाएगा। उसके बाद है पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ क्रिएचर्स ऑफ द सेम काइंड लिविंग इन अ हैबिटेट, ठीक है, नंबर्स ऑफ क्रिएचर्स के जो नंबर हैं, सेम काइंड लिविंग, ठीक है, जानदारों के जो सेम एक जैसे जो क्रिएचर्स होंगे ना हमारे पास जो हैबिटेट में जो एक किस्म के जो क्रिएचर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन क्या कहलाएंगे। जैसे हम हैं, इंसान हैं, इंसानों की आबादी है वो पॉपुलेशन। उसके बाद है हमारे पास जानवर, जैसे कैट है, डॉग है, जो ये सेम टाइप के क्रिएचर्स है। जैसे कैट है तो जो नंबर ऑफ कैट्स होंगी वो सेम टाइप की क्रिएचर्स हैं, वो क्या आएंगी हमारे पास, पॉपुलेशन में आएंगे। तो द नंबर ऑफ क्रिएचर्स ऑफ द सेम काइंड लिविंग इन हैबिटेट, सेम काइंड के जो आपके पास क्रिएचर्स होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे आपके पास, पॉपुलेशन कहलाएंगे। ठीक है, केयरफुली आपने यहाँ पर इसको रीड आउट करना है, नीट एंड क्लीन लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।